वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा ट्राइफल बर्गर सैंडविच बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें, हमारे पास चिकन का कीमा है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। इसको हम झटपट मसाले डाल के और इसके खतरनाक से पैटी बनाएंगे। और इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑरेगनो, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर अगर ना हो तो इसकी जगह उसको आप ग्रेट किया हुआ भी डाल सकते हैं। तो ये सब चला गया इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के केचप और 1 टेबलस्पून किसी भी किस्म का हॉट सॉस यानी चिली सॉस, मेरा सराचा है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप चीज़, अगर चीज़ ना डालना चाहें तो नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल है, और 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, ये मेरा पैंको है, आप किसी भी किस्म के ले सकते हैं और चाहे तो डबल रोटी का चूरा भी ले सकते हैं। तो अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने से पहले यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, लो पे रखते हैं और इसमें डाल देते हैं अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। ओवर मिक्स करने से हमेशा पैटी जो है वो हार्ड हो जाते हैं, तो इसको बराबर कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल डाल देते हैं इस पर। और अब इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। और एक पोर्शन उठा के इसका पैटी बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, अब मैं ह्यूज बना रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो पैटी इसमें डाल देते हैं। बाय द टाइम और पैटी बना लेते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट भी जा रहा है। देखिए 4-5 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो फर्स्ट वाले पैटी को फ्लिप करते हैं। देखो खूबसूरत सा कलर आ गया है, दूसरा भी देख लेते हैं। बाय द टाइम हमारे पैटी बन रहे हैं, हम इसका एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। यह हमारे पास है 4 टेबलस्पून मेयो, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के केचप, हीपिंग टेबलस्पून डालेंगे हॉट सॉस, मेरा है तापतियो, कोई भी खट्टी साइड का ले लें, ये थोड़ा खट्टा होता है। और अब पैटी को देख लेते हैं। ये देखें वाइट जब ऊपर आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब नीचे से कुक हो गया है। तो बेसिकली हम कुक करेंगे इससे ऑल टुगेदर 10 से 12 मिनट। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चलो हमारा सॉस बन गया। ये जो पहला हमने डाला था ये निकाल लेते हैं। इसको भी थोड़ी देर कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पैन को हम थोड़ा सा वाइप कर देंगे, अगर चाहे तो ये ऑयल निकाल लें और चाहे तो पोंछ लें। और 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर देंगे।
असेंबल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास तौतियाज है, तो ये एक ले लेते हैं। घर की रोटी भी बनाई जा सकती है बड़ी सी। अगर आपको देखना है कि मैंने किस तरह से तौतिया बनाई तो बस का लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा। तो आप बेसिकली हमें इसे इस तरह से काटना है सेंटर तक, इतना। तो इस तरह से हमने काट लिया। अब ये जो है हमें इस तरह से मार्क लगा देना है, ये एक लाइन लगा देंगे और ये इस तरह से लाइन लगा देंगे। अब ये चार हिस्से हो गए ना, तो ये चार लोगों को हमें कुछ ना कुछ देना है। तो सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट वाले को ये देंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम रखेंगे लेटस। अगर आप चाहें तो बंद गोभी भी रख सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसके पड़ोसी, इस पे ये पैटी रखेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसमें डालेंगे पिकल्स। साथ थोड़ी सी अनियंस डालेंगे। और ये लास्ट वाला पोर्शन है, उसमें फ्राइज डालेंगे। तो बेसिकली कंप्लीट मील हो गया है, बर्गर हमारा रेडी हो गया है। अब ये वाला पोर्शन डालेंगे इसके ऊपर। ये वाला इसके ऊपर और ये वाला इसके ऊपर। ये हो गया। और अब ये पैन का चूल्हा ऑन करेंगे, स्लो रखेंगे। और इसमें अब ये हम अपना ये डाल देंगे सैंडविच। इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो इसको हल्का हल्का हमें सेकना है, चूल्हा जो है बिल्कुल लो है। हाँ ये देखिए सिक गया, तो अब इसको यूँ कर देंगे। सेम इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। तो ये फ्राइज जो है मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। ये मेरी फेवरेट फ्राइज है और जो कि फ्रीजर में लॉन्ग 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 टाइम तक रहती है। चलिए इसको निकालते हैं। इसको पलटते हैं और इसको डालते हैं। अब जो आपके घर में पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है। बिंदास करें। और अब इसका भी चूल्हा करते हैं बंद और एक निकाल के काट के आपको दिखाते हैं। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से ट्राइफल बर्गर सैंडविचेस बन गए, मानते हैं आप? और मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। लुक एट दिस यम स्टफ, नीचे से, साइड से, ऊपर से, काबिल तारीफ। कातिलाना खतरनाक। इतना चटपटा और इतना मुकम्मल है वो कैचअप डाल के फ्राइज खाना, लेटस लेना, सैलेड लेना, कुछ भी नहीं, वन बाइट में सारी चीज़ें आ गई। मज़ा आ गया। आप लोग जब बनाएं आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। इफ्तार में बनाएं
रैप करके रख दें, सहरी में खाएं, मज़ा आ जाएगा। एक बाइट तो आप लोगों के लिए बनता ही है। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।